हमारे पास एक 22 वर्षीय युवक आए थे जिनका पूरी तरह से दायां फेफड़ा जो था वो संकुचित था, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलैप्स कहते हैं। तो ये राइट लंग कोलैप्स का केस था जो कि एक एक्सीडेंट के बाद हुआ था। एक्सीडेंट के कारण इनकी सांस की जो नली है उसमें सूजन आ गई थी और वो स्टेनोसिस के कारण बंद हो गया था पूरी तरह से। इस तरह के केसेस को नॉर्मली झारखंड में इससे पहले कभी भी हैंडल नहीं किया गया है। हम लोगों ने इसे झारखंड में पहली बार रिजर्व ब्रोंकोस्कोपी, बैलून डायलिटेशन और इलेक्ट्रोकॉटरी इक्विपमेंट के सहारे इस सांस की नली को हम लोगों की पूरी डॉक्टर की टीम ने, डॉक्टर अमित हैं साथ में, हम लोगों के टेक्नीशियन हैं शेषनाथ और नंदू कर्माकर और प्लस नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग हम लोग मिलकर ओटी में, ये बहुत ही एक जटिल सर्जरी होती है लेकिन बिना किसी चीरे के हम लोगों ने ब्रोंकोस्कोप के थ्रू उस सांस की नली को हम लोगों ने खोल दिया, जिसके कारण इनका फेफड़ा पूरी तरह से खुल गया। तो पेशेंट जो है वो 2-2.5 महीने से परेशान थे, कई जगह गए थे, इनका लाखों खर्चा हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में कि इन्हें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, पेशेंट के पिताजी और पेशेंट आपको बताएंगे। बट अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। परसों हम लोगों ने इन्हें एडमिट किया था, कल प्रोसीजर किया और आज इन्हें हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनका फेफड़ा पहले की तरह सामान्य हो गया है और इन्हें होपफुली आगे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस सारे जो भी हम लोगों ने सर्जरी की है और जो भी जितना भी हम लोगों ने इन्हें किया है बिना चीरा लगाए एंडोस्कोप के थ्रू, उसमें इनका खर्चा भी बहुत कम हुआ है। इनफैक्ट बहुत ही कम रुपए में इनका सारा कुछ हो गया और इन्हें प्रदेश से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये सारी सुविधा एक नई तरह की टेक्निक है जिसे हम लोग बैलून डायलिटेशन बोलते हैं, रिजल्ट ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू से किया जाता है। ये सारी टेक्निक जो है अब हम लोगों के पास उपलब्ध है और अस्पताल। बताइए कि ट्रक ट्रैक्टर से शायद गिर गया, कैसे दुर्घटना हुई थी और उसका कहाँ कहाँ भटकना पड़ा और कहाँ समाधान हुआ? गांव का ही ट्रैक्टर था, खेत से आ रहा था, ट्रैक्टर गांव में ही पलटी हो गया था, उससे इसको चोट लग गई। चोट लग गया तो लॉकडाउन भी था उस समय, तो उस समय ग्रिड लगे, हम ग्रिड जिले से रहने वाले हैं, तो ग्रिड ले गए तो वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया। फिर धनबाद भी गए, वहाँ एक मिनट भी नहीं रुका, उसने मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर एडमिट भेज दिया। वहाँ गया, वहाँ एडमिट किया, करीब 15-20 दिन वहाँ एडमिट रहा था। पैसा तो वहाँ 3.5 लाख के आसपास खर्चा हो गया मेरा, लेकिन वहाँ से वो बोले कि ठीक हो गया, छुट्टी दे दिया, घर पे आ गया। उसके बाद उसने एक बार और बुलाए थे कि आना है चेक करने के लिए, तो गए। उस समय इसको तकलीफ आ गई, एक साइड का फोटो पूरा बाइक, एक साइड पर लेकर आया, फिर वहाँ बोले कि इसको एडमिट ही करना पड़ेगा और 2 लाख के आसपास की जमा कर लीजिए। लॉकडाउन के कारण में पैसे, हम बहुत छोटे परिवार से, पैसे उतना था नहीं, इसलिए मैं पूरा तैयारी में भी नहीं गया था, घर ले आया, घर ले आए। उसके बाद रिम्स आए, रिम्स में एडमिट किए, वहाँ भी सर देखे, तो बोला आपको कहीं अगर ले जाना है तो ले जा सकते हैं। तो मैं बोला हमको सर पैसे वैसे तो है नहीं है अभी, इसीलिए जो भी करना है यही करना है। फिर उसने हमको यहाँ भेजे कोचिड हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब का नंबर दिए, मतलब नाम लिख करके कि वहाँ चाहिए, ब्रोंकोस्कोपी करवा लीजिए, वहाँ जो बोलेंगे वैसा करना। फिर यहाँ आए, ब्रोंकोस्कोपी किए, सर हमको बहुत भरोसा दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। तो कोशिश भी की, और कम खर्चे में ही मेरा लड़का एकदम स्वस्थ कर दिया। हम तो ये सर को भगवान ही मानते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव सर कुशवाहा, गिरिडीह जिला का रहने वाला, जंगल थाना ब्लॉक। ऑपरेशन हुआ आपको सर, जिसके इलाज के लिए आपको दूसरे जगह जाना पड़ता और आप तो हर जगह भटक के भी जाएँ, क्या कहेंगे चिकित्सक और अच्छे अस्पताल? सर तो मेरे लिए भगवान ही है, क्योंकि बहुत ही से भटक के भी आ चुके थे और इसका समाधान भी नहीं था। सर भी बताए थे, बोले यहाँ से नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी सर प्रयास किए तो उस कारण से सफल हो गया। और अभी मैं सर क्या कहेंगे जो चिकित्सक इलाज किए हैं, बहुत अच्छा इलाज किए हैं और बहुत सुविधा भी दी है सर, इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं और मेरे लिए भगवान ही है। अनिल कुमार वर्मा, ग्राम प्रांचीडी, जम्मू ब्लॉक से बात हैं, गिरिडीह। ये एक्सरे था इनका, जो कि इनका दायां फेफड़ा पूरी तरह से बंद है, सफ़ेद पड़ा हुआ है ये फेफड़ा, बायां फेफड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल है, ठीक है ना। खोलने के बाद जो एक्सरे है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक्सरे। ये खोलने के बाद का एक्सरे है, आप इसमें देख सकते हैं दायां फेफड़ा पूरी तरह से बंद है और जो हम लोगों ने इलाज किया, जो पद्धति का इस्तेमाल किया, रिजल्ट ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बैलून डायलिटेशन, उसके बाद ये पूरी तरह से खुल गया।